जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब यहां लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। और लोकतंत्र के महापर्व में आहुति कौन देगा? आहुति यानी वोट, खासकर जम्मू में। जवाब है जम्मू में रहने वाले वो सभी लोग जो पिछले एक साल से यहाँ रह रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ा फैसला आया है। जम्मू के उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि जम्मू में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है उसे नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाए। उनके इस फैसले के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले का विरोध किया है। जोर देकर कहा गया है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटरों को जोड़ने की कवायद कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए वोटर्स को शामिल किए जाने को लेकर इसे मोदी सरकार का एजेंडा करार दिया है। पार्टी ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी को चुनाव से डर लग रहा है। वो जानती है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार जाएगी, इसलिए बीजेपी किसी तरह से 25 लाख नए वोटर्स को जोड़ना चाह रही है और कुछ खेल करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। वोट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ऑनरेबल लोग बाहर के हैं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए और लोकल वोटर्स को ही वो चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है उनको देने का लोकल वोटर्स को ही हक होना चाहिए। जो वोटर है जम्मू कश्मीर का उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होता था, पहले क्या होता था और पहले कौन वोट डालता था। आर्टिकल 370 और 35 ए ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया था, साथ ही 35 ए को भी हटा दिया गया। इससे अब वहाँ के लोगों को भी वो सारे अधिकार मिल गए हैं जो देश के दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों को मिलते थे। आर्टिकल 35 ए के तहत जम्मू कश्मीर के गैर नागरिक यहाँ न संपत्ति खरीद सकते थे और न ही पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे। उन्हें सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार था, लेकिन धारा 370 और 35 के हटने के बाद वहाँ रह रहे गैर कश्मीरी लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया है। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून लागू था, लेकिन अब केंद्र का जनप्रतिनिधित्व कानून यहाँ लागू हो गया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गैर कश्मीरी वोटर्स के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जम्मू में पहले से बीजेपी का दबदबा था, लेकिन अब नए वोटर्स के आने से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी की रणनीति भी यही है कि जम्मू की 43 सीटों पर क्लीन स्वीप करो और कश्मीर में 5 से 6 सीट निकाल लो, इससे बीजेपी को आसानी से कश्मीर में सरकार बन जाएगी बीजेपी की। और बीजेपी की रणनीति दूसरे दल भी समझ गए हैं और यही वजह है कि नए वोटर्स को जोड़ने का विरोध किया जा रहा है और बवाल मचा हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए।